साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तराखंड विशेष से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से बिशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है, तो जो बिशोम नामक पर्वत है इस पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम, ये तीन के तीनों ही जो है उपस्थित हैं। बिशोम नामक जो पर्वत है ये टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी में स्थित है। आगे बात करते हैं, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ पर मिले हैं, तो ये जो अवशेष मिले हैं ये ऋषिकेश के वीरभद्र, कोटद्वार के मोरध्वज, काशीपुर के गोविषाण, इन सभी जगहों पर मिले हैं। अगला है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी, तो इसकी स्थापना 688 ईस्वी में कनकपाल ने की थी और इसमें कुल 60 राजा हुए। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा, तो ये चंद्र राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी और इन्हीं चंद्र राजाओं के द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत के साथ साथ ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परंपरा भी प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में प्रारंभ हुआ, तो ये जन आंदोलन नरेंद्र शाह के काल में प्रारंभ होता है। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी, तो ये स्थापना जो है नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई थी, नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो 1815 में। पंवार राजाओं के काल में निम्न से कौन सा काव्य रचा गया था, तो इनके समय में गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, इन सभी का जो है रचना की गई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये युद्ध हुआ कब था, ये युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 14 मई 1804 को, 14 मई 1804 को। अगला है, निम्न कथनों में से कौन से सही है, तीन कथन है। पहला, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने किया था, ये कथन आपका सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी, ये भी सही है। गरुण की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है, तो राज तरंगड़ी में है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तो 1926 में। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, 1916 में, और इसका विलय कांग्रेस में कब होता, 1926 में। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी, 1912 में। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, तो कोटा खर्रा आंदोलन जो है ये भूमिहीनों के हित में था। अगला है, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1870 में की गई थी, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी और 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाना प्रारंभ किया गया था। अगला है, जनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा के जनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1937 में की गई थी। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवलदार बीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्ते अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये घटना हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। अगला है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने। अमृतसर कांग्रेस 1919 का जो अमृतसर कांग्रेस होता है, में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था, तो इसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुड़ा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ध्यान रखिएगा कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुड़ा और मुकुंदी लाल ने मिलकर के 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से कितने थे, तीन लोग थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर, ये तीन लोग इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, तो ये चलाया था किसने, चार लोगों ने मिलकर के, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और आपके हेमचंद। तो ये जो आपका होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1914 में। कौसानी
कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कैथरीन हाइलामन, कैथरीन हाइलामन, जिन्हें सरला बहन के नाम से जाना जाता था और ये गांधी जी की शिष्या थी, इंग्लैंड की थी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गणदुया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल थे? तो इसमें जो है भवानी सिंह, कौन? भवानी सिंह शामिल थे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो ये जो है आपका बिश्नोई देवी शाह के नेतृत्व में, बिश्नोई देवी शाह के नेतृत्व में ये फैलाया गया था। जबकि इसमें शामिल जो थी कुंती वर्मा, जीवंती मंगलम, जीवंती और मंगला और रेवती, इत्यादि महिलाएं इसमें शामिल थी। ठीक है, बिश्नोई देवी शाह के नेतृत्व में ये मतलब सत्याग्रह चला था और तिरंगा फहराया गया था। इसमें शामिल थी कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती। आगे बढ़ते हैं, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका कुंती वर्मा को, कुंती वर्मा को। गांधी जी ने 1929 में कौशानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? गीता की भूमिका लिखी 12 दिनों के प्रवास के दौरान। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा के प्रथा का अंत कर दिया था? तो ये किया था 13 से 14 जून 1921 के मध्य में। अगला है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था कब? 1905 में, किसके नेतृत्व में? पंडित गिरिजादत्त नैथानी के नेतृत्व में या इनके संपादकत्व में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? कमला और बसंती, कमला एवं बसंती। गांधी जी की 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, इसमें नेहरू जी भी शामिल थे, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। कब से कब तक? 16 से 24 अक्टूबर के मध्य में, मतलब जून से जुलाई में कुमाऊं की यात्रा की थी और अक्टूबर में इन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रेल के द्वारा 1833 में ईस्वी में कहां देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? अल्मोड़ा में। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ? 1917 में। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हर गोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो 1903 में की थी। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया? तो कालू महेरा ने। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी कहा जाता है, स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया? तो भारत चीन युद्ध 1962 के बाद। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सा प्रथम अस्तित्व में आया? तो सर्वप्रथम अस्तित्व में हरिद्वार आया। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी? श्रीदेव सुमन ने। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर, गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई 1938 में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था कब? ये प्रथम प्रस्ताव रखा गया था 1990 में। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो मसूरी कांड के शहीदों में धनपत सिंह, बेलमती चौहान, हंसा धोनाई ये इत्यादि शामिल हैं, परंतु इसमें जो है इसमें यशोधरा बैंजवाल जो है ये शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, यशोधरा बैंजवाल जो है वो आपका नवंबर 1995 में जो श्रीयुत टापू से संबंधित जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित रहे हैं। ठीक है, और ये जो मसूरी कांड आपका होता है 2 सितंबर 1994 को हुआ था, 2 सितंबर 1994 को। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो 15 अगस्त 1996 को की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह थे। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था?
त्रिवेंद्र पवार ने। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1994, तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 और मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरपुर कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं है, मसूरी कांड जो है 2 सितंबर 1994 को है, ठीक है, तो इसलिए गलत है। काला दिवस 1 सितंबर 1994, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता था, क्या कहते थे इसे? मिझाड़ी कहा गया, मिझाड़ी। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? जुग्गामल शाह के नेतृत्व में। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप बेल को संरक्षित घोषित किया। यह स्थित है सुनरा कोट में। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब होता है? तो 1 अगस्त 1949 को होता है। अगला प्रश्न है आपका, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन ने। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यक्ष, नाग, खासी, किन्नर। इसमें तो खासी जो है ये यहाँ की प्राचीन प्रजाति नहीं है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में हुआ था। संगोली की संधि कब होती है? संगोली की संधि 1815 में होती है। 2 दिसंबर 1815 में गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य में। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कनक पाल था। और ये कहाँ पे रहा है राजवंश? गढ़वाल क्षेत्र में। परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी थी। बाद में श्रीनगर को इन्होंने राजधानी बनाया था। श्रीनगर आपका उत्तराखंड में ही है, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, वो अलग है। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था चमौली में, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के चमौली में। डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो ये जो है शिल्पकार जो दलित जातियां वहां की रही हैं उन्हें शिल्पकार कहा जाता था। किसने काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना की? तो प्रेस सभा की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। शकलाना विद्रोह घटित हुआ था कब? तो शकलाना विद्रोह घटित हुआ था कहाँ पर? तो ये टिहरी में। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा कहाँ पर है? तो लाखू गुफा जो है अल्मोड़ा जिले में, कहाँ पर है? अल्मोड़ा जिले में है। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने लिया था। तो डी ऑप्शन। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी, महाभारत में उल्लेख है। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो ये खुड़बुड़ा युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे 1804 में। गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है मानवेंद्र शाह थे और पहले कौन थे? कनक पाल थे, ठीक है। और इसमें कुछ 60 शासक हुए हैं। मानवेंद्र शाह जो है अंतिम होते हैं और ये शासक कब बनते हैं? 1946 में। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याड़ी प्रतीक है किसका? क्रूरता का प्रतीक है। प्रजामंडल की स्थापना, ये गोरखाओं के संबंध में है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। पाडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है ये आपका पाली भाषा में लिखे गए हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड के अंतर्गत। अल्मोड़ा मुद्राएं किस सम्राट से संबंधित है? तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो है ये कुरिंद जो है सम्राट से संबंधित है। कालसी का शिलालेख संबंधित है किससे? सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक है। कत्तूरियों की दरबारी भाषा, कत्तूरियों या कार्तिकेयपुर जो ये राजवंश रहता है इसकी इनकी आधिकारिक भाषा जो थी वो संस्कृत थी। कौन कत्तूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो नंदा देवी को इनकी कुल देवी के रूप में पूजा जाता था। गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनक पाल। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया कब? तो ये आधिपत्य स्थापित किया था इन्होंने संगोली की जो संधि होती है 1815 उसके बाद में, ठीक है। यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये 1921 में बागेश्वर से शुरू होता है। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है? तो शिल्ट के विद्रोह को, किसको? शिल्ट के विद्रोह को
कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा सल्ट के विद्रोह के बारे में। देखिए स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट क्षेत्र की भूमिका के लिए इसे महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदौली की पदवी से विभूषित किया था। आज भी कुमाऊं में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला है कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो देखिए कुमाऊं परिषद का गठन जो है 1916 में हुआ था। चैतू तथा माडकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो सुदर्शन शाह ने। कनक पाल किस वंश का शासक था, तो पवार वंश का शासक था, पवार वंश का संस्थापक था ये। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे जो कि 1946 में शासक बनते हैं। अगला है उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे, जयनंद भारती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था मानस खंड, क्या कहते थे, मानस खंड कहा जाता था। अगला है कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था, ये थे आपके बसंत देव, कार्तिकेयपुर वंश या कत्तूरी वंश। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था, राजा भीमचंद ने। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो है आपका टिहरी में होती है। वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, तो समता नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था, तो ये राजा सोमचंद थे। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, तो इन्हें शरण दी थी पृथ्वीपाल शाह ने। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है राज तरंगणी से। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो कत्यूरी राज साम्राज्य के शासन को। आगे बढ़ते हैं, अगला है शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, बलभद्र शाह। सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था, सोमचंद के आगमन पर ब्रह्मदेव का शासन था। प्रथम चंद्र शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, ये कौन थे, ज्ञानचंद थे। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब की थी, किसने, पीसी जोशी ने की थी। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था बुद्धि बल्लभ पंत ने। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया, कब लाया गया, तो ये 1854 में। चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन शवाधान मिले हैं, तो ये मिला है कहां से, मलारी से। काठ गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था, तो जिया रानी के नाम पर। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है, तो यह है कालसी, जो कि अशोक से संबंधित है। निम्न में से किस जात की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, गंधर्व यक्ष किन्नर की जाती है, पर शक की नहीं की जाती है, शक इसमें शामिल नहीं है, शक जो है बाहर से आते हैं। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा जो है महेंद्र चंद था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।